हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ मेजर अली शाह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी शाह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यूक्रेन का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, अब रूस ने भी अपने टैंक जो है वो रवाना कर दिए हैं। कल तक की ये जो खबर थी उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि युद्ध यहां पर हो सकता है, आगाज इसका हो सकता है, लेकिन अब जब टैंक भी वहां पर रवाना कर दिए हैं, क्या स्थिति समझे इसे? जी देखिए, यूक्रेन अभी तक हम सोचते कि हाइब्रिड वॉरफेयर है, और हाइब्रिड वॉरफेयर में तकरीबन वहां पर दुश्मन को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके आम उसके कंधे मोड़े जाते हैं जब तक वे घुटने के बल ना आ जाए। और ये चीन इसमें माहिर है एक तरीके से, वो एक साइकोलॉजी वॉरफेयर रखता है। तो उसी तरीके से हम ये कह रहे थे कि भाई रशिया भी शायद इसी तरीके से करी, हालांकि उसकी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल, अगर वो चाहती यूक्रेन पे हमला बोलना तो सन 2014 में जब उसने क्रिमिया पे हमला बोला था तब ये कर सकती थी। उसके बाद फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी ये फेसबुक पे वीडियो लगाया था कि रशिया हम पे 16 फरवरी को हमला बोलेगी। और अमेरिका ने कहा था कि जब ये बीजिंग ओलंपिक खत्म हो जाते हैं 20 फरवरी के आसपास हमला बोलेगी रशिया यूक्रेन पे। और इनकी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल तेजी तेज रफ्तार से वहां पे आ गई थी, यहां तक के भी इन्होंने अपने टैंक्स गाड़ियों पे आर्मर्ड व्हीकल्स पे जेड साइन लगा रखा था रेक्टेंगल्स में, एक फ्रेंडली फायर को अवॉइड करने के लिए। अब मेरा ऐसा मानना था कि 4 वजह हो सकती हैं जिससे रूस इस पे यूक्रेन पे हमला नहीं करेगी, ऐसा कल तक मैं कह भी रहा था। आज मैं थोड़ी अपनी राय हल्की सी बदलता हूं, और ये खास 4 बजे कल तक जो थे मेरे वो ये थे कि देखिए, हम सब देशवासी नहीं दुनियावासी अमन शांति चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि जंग हो, युद्ध हो, खून खराबा हो, पहली बात। तो दूसरी बात, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है अभी बहुत ही नीचे डाउन है, इसको अगर आगे लाना है तो पहली बात तो कोई युद्ध अगर हुआ तो वर्ल्ड इकोनॉमी देश की नहीं, रूस और यूक्रेन की नहीं, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कम से कम सालों पीछे जाएगी। इसी बात, कोरोना वायरस का जमाना है, ये महामारी का जमाना है और ये कोरोना काल चल रहा है तो गलत टाइम है। चौथी बात, एक मिलिट्री तरीके से अगर देखा जाए स्ट्रैटेजिकली टैक्टफुली, तो मैं ये उदाहरण दिया था मैंने कि mid-60s में क्या हुआ था, फील्ड हिंदुस्तान में फील्ड मार्शल सैम मैनेगशॉ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो तब हिंदुस्तान के राष्ट्रपति इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था क्या हिंदुस्तान की सेना तैयार है चीन पे धावा बोलने के लिए, उन्होंने 2 वजह से खास तौर से बोला नहीं हम तैयार नहीं है। क्यों बताऊं तो मैं आपको क्यों, उन्होंने कहा था कि भाई अभी दरअसल वहां पे हाई एल्टीट्यूड इलाके में अंशुल जी वहां पे बर्फ पिघल रही है, तो ये सही मौका नहीं है, सही टाइम नहीं है कि हमारी आर्मर टैंक वहां पे डिप्लॉय हो पाएंगी। दूसरी बात, हमारे जो ट्रूप्स हैं, हमारी जो फौज है वो अक्लेमेटाइज नहीं है। बस मैं वही लॉजिक यहां पे कह रहा था कि देखिए, रूस और यूक्रेन के बॉर्डर के इलाके पे अभी बर्फ है, वहां पे बर्फ जो है पिघल रही है, तो जाहिर सी बात है हर टाइम है कोई भी टैंक या आर्मर्ड व्हीकल वहां से जाहिर सी बात है फिसलेंगे, और इसमें नुकसान 2 तरह से होएगा। अब देखिए, जो नेटो अलायंस का जो नेटो एक्ट है उसका Act 5, उसका जो Article 5 है नेटो अलायंस का, इसमें 29 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि लीबिया के पुराने के पिछले ओल्ड राष्ट्रपति उनके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब वो Act 5 क्या कहता है, वो कहता है कि नेटो अलायंस के किसी भी अगर देश पे ऐसा हमला हुआ किसी भी देश का, तो पूरी जितने भी नेटो अलायंस है यूनाइट हो जाएंगी और उसको एक तरीके से निजी हमला समझेंगी, पर्सनल अटैक समझेंगी, और उस देश पे उसी तरीके से ठीक तरीके से कारगर कार्रवाई करेंगी। तो ये 4 खास वजह थी। लेकिन कल क्या हुआ, कल रूस ने 2 यूक्रेन की 2 जगहों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है, उससे बहुत देशों की नाराजगी है। अब देखिए, जापान ने भी सैंक्शन इंपोज करे हैं और जापान ने यह भी बोला है कि जितने भी वहां के जो 2 सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स वहां के जो रशिया ने निकाले हैं उनको हम तो वीजा नहीं देंगे, पहली बात तो, और जो अमेरिका और यूरोप की जो फाइनेंशियल हेल्प है वो इनको भी नहीं मिलेगी। तो यूएस ने सैंक्शन लगा दिए, यूके ने सैंक्शन लगा दिए, जापान ने सैंक्शन लगा दिए, मतलब कोई एक देश ऐसा नहीं है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनकी बात हुई थी व्लादिमीर पुतिन से, मगर ये व्लादिमीर और 62 मिनट्स की फोन कॉल गई थी जो बाइडेन की और व्लादिमीर पुतिन की तकरीबन 1 हफ्ते पहले, लेकिन व्लादिमीर पुतिन तस से मस नहीं हुए और वो माने नहीं बात। अब देखिए, पूरे जितने भी हिंदुस्तान का कल जहाज आया है एयर इंडिया का 1946 11:30 बजे रात को, वो 242 पैसेंजर ऑन बोर्ड लेकर आया है, ज्यादातर इसमें स्टूडेंट्स थे,
और हिंदुस्तान के जो वहां पे जो अम्बेसडर हैं यूएन में, बिल्कुल उन्होंने ये भी खास बोला है कि देखिए 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट हिंदुस्तान के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और वो बॉर्डर इलाके में भी हैं। और जो 2014 में जब रूस ने हमला किया था क्रीमिया पे, तब जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड ट्रेंचेस, बंकर्स, अंडरग्राउंड क्रिवास बनाए गए थे, ये बचाव के लिए होते हैं मोर्टर आर्टिलरी शेलिंग की वजह से। अगर आर्टिलरी शेलिंग हो गई बिल्डिंग के ऊपर तो पूरी बिल्डिंग गिरेगी और कैजुअलिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम अंडरग्राउंड जाते हैं तो हमें बचाव है। अब देखिए जब पूरे के पूरे देश आपस में यूनाइटली हो रहे हैं और रशिया को बोल रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, ये कोई तरीका नहीं है, और अनप्रोवोक्ड, बिल्कुल अनप्रोवोक्ड इन्होंने रशिया ने इन पर आज और कल में अभी एक तकरीबन एक तरीके से हम कहेंगे कल तक मैंने ये माना था कि यह हमला नहीं होगा, आज मैं थोड़ी राय हल्की हल्की अपनी बदल रहा हूं, हल्की हल्की आप देखते हो क्या वहां पे, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं, हालात तो बिगड़ रहे हैं और ये चांस कोई भी लेना नहीं चाहेगा। हाँ, अमेरिका ने एक एडवाइजरी नहीं एक ऑर्डर जारी किया था कि जितने भी इनके डिप्लोमेट हैं एम्बेसी खाली करके वापस आ जाए, हिंदुस्तान ने तो एडवाइजरी जारी की थी कि भाई वो निर्णय फाइनल निर्णय तो आपने छोड़ा था, अभी 6 फ्लाइट ऑपरेट होंगी, 22 को हुई, 26 को हुई, 28 को होगी और ये फ्लाइट जाती रहेंगी। तो हमने जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करे हैं ये पहली मरतबा नहीं, जब गल्फ पर हुआ तब भी, तो मतलब जो स्थिति है बिल्कुल तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है और इसे कैसे भी हम देख सकते हैं, लेकिन युद्ध हो भी सकता है अभी भी, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हैं इसमें युद्ध तो बिल्कुल हो ही सकता है, ये इसको कहा जा सकता है अभी जिस तरीके की स्थितियां लगातार बनती हुई नजर आ रही है। जी, इसमें अभी जिस तरीके की, क्योंकि कल तक मेरा अनुमान मानना था कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं, रशिया हाइब्रिड वॉरफेयर कर रही है, अभी जिस तरीके का तनाव वहां पे बना हुआ है तो जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं, हमको बिल्कुल भी तैयार नहीं होना चाहिए अगर युद्ध वहां पे किसी भी जबरदस्त युद्ध वहां पे बिछड़ सकता है। दूसरी बात तो मैं ये भी कहूंगा कि मगर अगर युद्ध बिछड़ता भी है, अगर युद्ध बिछड़ता भी है तो तीसरे विश्व युद्ध की ओर नहीं जाएगा, इसकी खास वजह है, हालांकि नेटो अलायंस है, दुनिया भर की इंटरनेशनल कम्युनिटी रशिया के खिलाफ जा रही है और बोल रही है कि मत को सुधर जाओ, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध में ये नहीं जाएगा फिर भी। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद।